अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IHMOL लाइव न्यूज़। पेश है खबरों की तफसील। आज हलका सनत नगर में लॉकडाउन के दौरान अलाउद्दीन कोटी यूथ एसोसिएशन के हजरात मिलके गरीब लोगों को खाना फरहम किया गया और 31 मार्च तक ये लगातार जारी रहेगा। इस प्रोग्राम को अंजाम देने वाले हजरत सैयद नवाज भाई, शेख फाजिल भाई, खलील भाई, रफीक भाई, इब्राहिम भाई, शहीद भाई शामिल हुए। लोग लॉकडाउन के दौरान गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। तमाम तेलंगाना में 31 मार्च तक इस संजीदगी के साथ हुकूमत के साथ ताउन करें। वज़ीर आला ने कहा कि मज़ीद 5 केसेस दर्ज हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है और बैरूनी ममालिक से आए हुए वो लोग थे। वज़ीर आला ने कहा कि इकदामात के तहत लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान 85,50,000 सफ़ेद राशन कार्ड चुनिंदगान को 12 किलो चावल दिए जाएंगे और दीगर अशिया को 1500 रुपये दिए जाएंगे। नगर के पूरे दोस्तान भयाँ नगर भाई, फाजिल भाई, खलील भाई, इब्राहिम भाई, शाहिद भाई, पूरे दोस्तान जितने भी बड़े भाई हैं सब जने मिल के गरीबों को खाना खिला रहे हैं। यहाँ पे जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आता था बंद है, आज 2-3 दिन से बंद है और 31 तक बंद रहेगा बोलते हैं। वो हिसाब से हम लोग पूरे प्रोग्राम करके खाना खिला रहे हैं। आज से लेकर इंशाल्लाह 31 तक चलेंगे ये प्रोग्राम और उसके आगे भी डेट कुछ बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह जब भी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।